पाकिस्तान पहुंचे चीनी विदेश मंत्री, फिर छेड़ा कश्मीर का राग, पाकिस्तान के साथ मिलाए सुर। चीन लगातार पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मुद्दे पर उसी का राग अलाप रहा है। आपको याद हो कि हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने गोवा एसयू समिट में कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें करारा जवाब दिया था। वहीं अब चीन ने भी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए बयान दिया है। दरअसल शनिवार को एक बयान जारी करते हुए चीन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर विवाद को इतिहास से विरासत में मिला है और किसी भी एक तरफा कार्रवाई से बचते हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार इस मुद्दे का हल होना चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल चीन के विदेश मंत्री किन गेंग अपनी पहली आधिकारिक पाकिस्तान यात्रा पर गए हुए हैं, जहां दोनों विदेश मंत्रियों ने इस्लामाबाद में बैठक की। बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा सभी लंबित विवादों के समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। चीनी पक्ष ने दोहराया कि कश्मीर विवाद भारत और पाकिस्तान को इतिहास से विरासत में मिला है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर, सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार इसका समाधान किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों ने किसी भी एक तरफा कार्रवाई का विरोध किया और कहा कि इससे पहले से ही अस्थिर हालात और जटिल हो जाएंगे। गौर हो कि भारत के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की आलोचना करने के अगले दिन पाकिस्तान और चीन के विदेश मंत्री ने कई अरब डॉलर की इस बुनियादी ढांचा परियोजना पर सहयोग जारी रखने को लेकर प्रतिबद्धता जताई। इससे पहले गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि तथाकथित CPEC पर मुझे लगता है कि SU की बैठक में एक बार नहीं बल्कि दो बार यह स्पष्ट किया गया था कि कनेक्टिविटी प्रगति के लिए अच्छी है, लेकिन कनेक्टिविटी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन नहीं कर सकती है। गौर हो कि पिछले साल भी जब चीन और पाकिस्तान ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कश्मीर मुद्दे का उल्लेख किया था, तो तब विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि हमने इस तरह के बयानों को लगातार खारिज किया है और संबंधित सभी पक्ष इन मामलों को लेकर हमारी स्पष्ट स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। कोई अन्य देश को उस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गौर हो कि एक दिन पहले ही POK को लेकर आतंकवाद पर विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई थी और चीन को भी खरी खरी सुनाई। SCO बैठक के बाद जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक एक कर पाकिस्तान के दोहरे मानदंडों की बखिया उधेड़ दी थी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।